बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अपने नए ब्लॉग के साथ रही आपकी जुम्मन में हाजिर है और आप सबको खुश आमदीद कहता है। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं मॉल ऑफ सियालकोट। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मॉल ऑफ सियालकोट। तो भाई मैंने मॉल ऑफ सियालकोट की तरफ बढ़ना शुरू कर दी है। ओ जी इधर जी देखे जी, यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं भाई मॉल ऑफ सियालकोट में। मैं जा रहा हूँ मॉल ऑफ सियालकोट के अंदर, इधर लिखा हुआ है द मॉल ऑफ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम सर। देख सकते हैं मॉल ऑफ सियालकोट के पहले फ्लोर में आ गए। पहले फ्लोर में क्या है भाई, ये भाई पहले फ्लोर में इस तरफ ये है जी, तो ये है जी जी यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर। देखते रहते हैं, मैं एस्केलेटर के जरिए ऊपर आ रहा हूँ। तो जी मैं दूसरे फ्लोर में आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं मॉल ऑफ सियालकोट का दूसरा फ्लोर। ये जी दूसरा फ्लोर है मॉल ऑफ सियालकोट का, ये दूसरे फ्लोर में क्या है भाई, ये दुकानें है भाई। ये जी हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा फ्लोर, ये दूसरे फ्लोर में कुछ बच्चों की जालियाँ हैं, कुछ ये पड़ी हुई हैं, कुछ ये बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं। ये जी मॉल ऑफ सियालकोट का दूसरा फ्लोर। तो जी इस तरफ क्या है, सामने क्या है, सामने जो है गारमेंट्स की दुकानें हैं। तो जी अब मैं तीसरे फ्लोर पे आ गया हूँ मॉल ऑफ सियालकोट के। जी है जी तीसरे फ्लोर में भी कपड़े मौजूद हैं। तीसरे फ्लोर के अंदर ये आप देख सकते हैं तीसरे फ्लोर में क्या क्या मौजूद है। तीसरे फ्लोर के अंदर ये जी तीसरे फ्लोर के अंदर गाड़ियों वाले हैं, ये तीसरे फ्लोर के अंदर दुकानें मौजूद है भाई। तो भाई अब मैं चौथे फ्लोर के लिए फिर से एस्केलेटर के जरिए ऊपर जाऊंगा। तो जी अब मैं चौथे फ्लोर में आ गया हूँ। चौथे फ्लोर में ये जूतियों की दुकानें हैं, इधर भी भाई ये सारे आप देख सकते हैं जूतियों की दुकानें। आप उधर भी देख सकते हैं चौथे फ्लोर में मॉल ऑफ सियालकोट के बैग। तो भाई मॉल ऑफ सियालकोट का पांचवा फ्लोर भाई मॉल ऑफ सियालकोट का, इसमें कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो जी इस वक्त मैं मॉल ऑफ सियालकोट के सातवें आठवें फ्लोर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में नक्शा कैंट का, वो घंटाघर नीचे रह गया। ये देख सकते हैं आप सातवें फ्लोर से सारे का सारा जो है ना नज़र आ रहा है इधर से। सारे का सारा नीचे नज़र आ रहा है। तो भाई इस फ्लोर पे मैजियो की शॉप मौजूद है। तो जी आप देख सकते हैं मैं मॉल ऑफ सियालकोट से बाहर आ गया। मैं आपको बताऊं मैं कहां तक गया था मॉल ऑफ सियालकोट में, वो जो जहाँ जाली वाला डिज़ाइन ख़त्म होता है ना, मैं वहां तक गया था। मैं उस जगह तक गया था जहां मेरी उंगल का नाखून नज़र आ रहा है। बाकी मॉल ऑफ सियालकोट की 15 मंजिलें हैं, मैं सातवें आठवें फ्लोर पर था। तो बाकी जो ना सारे का सारा ऊपर से बंद था। मैं मूव करके आपको दिखाता हूँ कि ज़रा और मूव करके आपको दिखाता हूँ जी। अब मैं ज़रा और मूव करके आपको दिखाता हूँ, इधर से नज़र आ रहा होगा, इधर से आदमी देख रहे थे बाहर।
इस जगह से ना आदमी जो है बाहर देख सकते हैं, आप नहीं देख रहे भाई, इधर आदमी बाहर नहीं देख रहे। तो जी अगर मैं फुल ऊपर जा सकता तो फुल ऊपर जाके मैं आपको बताता, तो आप कमेंट में मुझे बताइए था कि मॉल ऑफ सियालकोट खूबसूरत है, कैसा है, प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत है ना। तो मैं, मुझे इस बात का अफसोस क्या है कि मैं फुल ऊपर नहीं जा सका, नहीं तो फुल ऊपर से वीडियो दिखाता, सातवें आठवें फ्लोर से भी कैंट जो है नज़र आ रहा था। ये जो घंटा घर है ये जो है नीचे नज़र आ रहा था ना काफ़ी, मॉल ऑफ सियालकोट से। तो ये जी ये जो घंटा घर है इसको क्लॉक टावर भी कहते हैं। तो जी मेरा आज का ब्लॉग मॉल ऑफ सियालकोट का इतना ही था। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप मेरा चैनल दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।